इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप सिंपल कैलकुलेटर से लॉग किस तरीके से निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपने इन स्टेप का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखना है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पे है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इसमें से हम ये वाला नंबर ले रहे हैं 55.56। पहले मैं इसका साइंटिफिक कैलकुलेटर से लॉग लेकर आपको दिखाती हूँ। 55.56 का लॉग आपके पास आता है 1.744। अब हम उन स्टेप को फॉलो करते हुए सिंपल कैलकुलेटर से इसी नंबर का लॉग निकालेंगे। इस आपने सिंपल कैलकुलेटर लेना है, नंबर हमारे पास वही है 55.56। इसके बाद आपने इन स्टेप को फॉलो करते जाना है। फर्स्ट स्टेप आपके पास है, टेक द नंबर इन द कैलकुलेटर। तो आप नंबर को कैलकुलेटर में लिखिए, अपने सिंपल कैलकुलेटर में 55.56। फर्स्ट स्टेप में आपने नंबर लिखा 55.56। देन सेकंड स्टेप आपके सामने है, प्रेस रूट 13 टाइम्स। 13 टाइम्स आपने इस नंबर का रूट लेना है। सिंपल आपने कैलकुलेटर में रूट का जो बटन है उसको 13 टाइम्स प्रेस करना है काउंट करते हुए। थर्टीन टाइम्स रूट लेने के बाद आपका थर्ड स्टेप है कि उस नंबर में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी माइनस प्रेस करा और 1। तो ये आपके पास वैल्यू आई है। इसके बाद फोर्थ स्टेप है आपके पास, मल्टीप्लाई इट विथ 3558। फिर जो भी आपके पास कैलकुलेटर में नंबर आया है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3558। और आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि आप 1.744, जो कि आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में आया था, वही हमने सिंपल कैलकुलेटर से भी लॉग निकाल लिया, जस्ट इन स्टेप को फॉलो करते हुए, जो कि आप वर्बली याद रख सकते हैं। सो ये एक छोटी सी ट्रिक थी आपके लिए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।